हम भी चाय पी रहे हैं। वो भी चाय पी जाऊं। मैं भी चाय पीता हूं। मैं भी चाय पीता हूं। असा भी चाय पीना। Je bois tout est. और मैं भी चाय पीता हूं। बना के देते हैं लोगों को पिलाते हैं हम खुद नहीं पीते हैं। हम गारंटी चाय पीते हैं चर्बी ज्यादा है। चाय तो आप सब पीते हैं, लेकिन क्या कभी चाय का बिजनेस शुरू करने का सोचा है? ये बताने से पहले चलो चाय के बारे में कुछ जान लेते हैं। 2732 कबल मसीह में एक चाइनीज बादशाह जंगलों में अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था और उसके पास में आग के ऊपर एक बर्तन में पानी उबल रहा था। अचानक पास के एक जंगली दरख्त में से एक पत्ता टूटकर हवा से उड़कर उस पानी के बर्तन में आकर गिर गया। उस पत्ते ने जैसे ही उबलते हुए पानी के साथ मिलकर अपने अंदर की महक हवा में फैलाई तो बादशाह को उसकी खुशबू से मोहब्बत हो गई और जब उसने उसका जायका चखा तो चाय पीने के बाद उसको एक ताजगी फील हुई और तब से चाय एक दवाई की तरह पी जाने लगी और आहिस्ता आहिस्ता आज चाय हमारे लिए एक मशरूब बन गई है। कहते हैं कि जब भी चाइना में कोई बादशाह मरता था तो उसको दफनाते वक्त उसके साथ एक लकड़ी के संदूक में कुछ हीरे जवाहरात रख दिए जाते थे ताकि वो उसको अब जिंदगी में इस्तेमाल कर सके और उस संदूक में हीरे जवाहरात के साथ सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय भी रखी जाती थी। तो इससे ये पता चलता है कि उस वक्त चाय चाइनीज के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। पूरी दुनिया में 2016 तक सबसे ज्यादा चाय पीने वाले ममालिक में तुर्की सरफहरिस्त था और पाकिस्तान का टॉप 10 में भी कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन अब एक तहकीक के मुताबिक सबसे ज्यादा चाय पीने वाले ममालिक में चाइना, इंडिया और पाकिस्तान है। एक जमाने में जब चाय को दवाई की तरह पिया जाता था तो एक जमाना ऐसा भी रहा है जिसमें चाय को एक जहर समझा जाता था। 1706 में एक फ्रेंच डॉक्टर ने एक ट्रीटिस पब्लिश किया। ट्रीटिस एक फॉर्मली रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी चीज के बारे में खूब रिसर्च करके और उस पर खूब एक्सपेरिमेंट करके उसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई होती है। उस ट्रीटिस में उस फ्रेंच डॉक्टर ने यह लिखा कि कॉफी, चाय, चॉकलेट, ब्रेंडी और कुछ दीगर मशरूब ऐसे हैं जिसको पीने के बाद आपके जिस्म में गर्मी पैदा होती है जिससे आपके जिस्म को नुकसान होता है और कुछ सिचुएशंस में मौत भी हो जाती है। कहीं कहीं ये बात दुरुस्त भी है क्योंकि 2016 में एक 56 साल आदमी को किडनी की प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि वो दिन में 16 कप चाय पीता था। तो भाइयों चाय जरा कम कर लो। अब अगर पाकिस्तान में चाय की बात करें तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टी इंपोर्टर है और हम सालाना तकरीबन 54 बिलियन रुपए की चाय इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान को चाय सप्लाई करने वाले ममालिक में केन्या, रुवांडा और इंडिया सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में आते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि जब पाकिस्तान में चाय की खपत इतनी ज्यादा है तो हम अपनी चाय खुद क्यों नहीं उगा लेते हैं? नेशनल टी रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान में टोपोग्राफी, सॉइल और क्लाइमेटिक डेटा को मद्देनजर रखते हुए तकरीबन 64,000 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां पर चाय उगाई जा सकती है। ये जमीनें मानसेहरा, बाटाग्राम, एबटाबाद, मालाखंड और सवाब के डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है और इन पर अगर काश्तकारी की जाए तो पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से चाय इम्पोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान में चाय का बिजनेस कैसे चलता है और सिर्फ चाय पिलाकर आप कितना पैसा बना सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने हमें YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और उसके बराबर वाली घंटी भी बजा दो क्योंकि जब जब हमारी वीडियो आएगी आपके पास घंटी बजेगी। और मैं हूं नबील तारिक और ये था मेरा जाविया। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।